सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था, 3 महीनों तक लगातार दंगे होते रहे, इन लोगों ने एक भी बार सदन में चर्चा नहीं कराई, असम जलता रहा। और तो और कांग्रेस के लोग एक बार तो असम के ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इन्होंने बोडो लोगों के बारे में कैसे बोल दिया। अरे बोडो वहां का नागरिक है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसके बारे में बोलेंगे? लेकिन ये लोग बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वकालत करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत करते हुए इन लोगों ने पूरे बांग्लादेश पूरे पूर्वोत्तर के भारत का जो समीकरण बदला है। महोदय असम के अंदर आज कोकराझार धुबरी चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेश्रमी के साथ देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने वहां पर उनके माध्यम से करवाया है। महोदय और तो और हम किसी और बात में नहीं जाना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और कम्युनिस्टों से भी, कोयम्बटूर और बेंगलुरु धमाकों का जो अभियुक्त है उस दुर्दांत आतंकवादी के लिए विधानसभा का सत्र स्पेशल सत्र बुलाया जाता है, दोनों दल एक साथ मिलकर के अपील करते हैं कि उसको छुड़वाओ। ये क्या सेकुलर है? क्या इनका यही सेकुलर एजेंडा है? क्या यही इस देश में यही सेकुलरिज्म है? और इस देश के अंदर महोदय इस देश के अंदर क्या हुआ था? लेट हिम स्पीक, हम भूले नहीं। 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में जो कुछ हुआ, महोदय आजाद मैदान की घटना क्या थी? आजाद मैदान में रोयांग मुस्लिम जो बर्मा में थे उनके बीच में और वहां के बौद्धों के बीच में वहां पर हिंसा हुई, दंगे हुए। ये मामला म्यांमार का है, भारत का नहीं, लेकिन म्यांमार की घटना में दंगा कहां होता है? आजाद मैदान मुंबई में ये लोग मौन रहते हैं, वहां शहीद स्मारक तोड़ा जाता है, पुलिस के जवानों को मारा जाता है, मीडिया कर्मियों को मारा जाता है। उनके साथ साथ पुणे में दंगे हुए, उनके साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए, ये लोग मौन रहे। इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई, ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेश्रमी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं, सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इसलिए महोदय जब उत्तर प्रदेश के अंदर की जो घटनाएं आई हैं उन घटनाओं पर अगर आप नजर डालेंगे, महोदय जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के बारे में अगर मैं आपके सामने रखूं, घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली घटनाएं हैं और वे चौंकाने वाली घटनाएं कितनी खतरनाक हैं। We already raised the issues of communal violence. We are not against anybody. We want a secularism to be maintained in this country. Therefore, we made a discussion. But honorable member, while discussing, he used the name of Pakistan. He abused us. Naming the Pakistan. This is unparliamentary, sir. This should be deleted.
Please, you have raised certain objections. If any objections is in regard, that will go through and we'll explain it. Please continue. उपाध्यक्ष महोदय, सांप्रदायिक एजेंडा इन लोगों का है, हमारा नहीं. हम लोगों ने पूरे देश को एकजुट करने की बात किया था. हम लोगों ने तो नारा भी दिया था कि सबका साथ और सबका विकास. हमने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन असम के अंदर अली और कुली का नारा इन लोगों ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था. असम को ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश से अलग करने की साजिश कर रहे हैं. और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यही इनका सेकुलरिज्म है? मैं उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहता हूं. उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 में 118 घटनाएं घटित हुई, 2013 में 247 और मार्च से मई तक 65 घटनाएं घटित हो चुकी हैं. सहारनपुर का दंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर सहारनपुर में एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था. अब न्यायालय के आदेश को प्रशासन नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानेगी. काठ में इसलिए वहां पर विवाद होता है क्योंकि उस गांव में चार धर्मस्थल हैं, तीन मस्जिद एक मंदिर. मंदिर हिंदू समुदाय के द्वारा है, तीन मस्जिदों पर माइक रहेगा लेकिन मंदिर से माइक उतार दिया जाता है. क्या यही सेकुलर एजेंडा है इन लोगों का? यही सेकुलरिज्म है क्या? इसी को सेकुलरिज्म आप कहेंगे? और इसलिए महोदय, जो कुछ घटना घटित हुई मेरठ के अंदर, एक बालिका का अपहरण होता है और अपहरण होने के बाद उसके साथ जो घटना घटित होती है, कितनी शर्मनाक थी. महिला हिंसा पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस महिला हिंसा की बात हम कर रहे हैं, उस सब के बावजूद ये लोग मौन हो जाते हैं. इन लोगों के मुंह से इनके जवान नहीं खुलती उस मामले में. न्याय का तराजू तभी चलेगा देश के अंदर समान कानून सबके लिए समान रूप से लागू होगा. कानून इस देश में मतदाय और मजहब के आधार पर लागू नहीं हो सकता. और इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा, कांग्रेस ने मुद्दा दिया है, अच्छा होगा पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये घटनाएं घटित हुई हैं, इनकी SIT जांच करा दी जाए. किसी सिटिंग जज से, किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इन सांप्रदायिक दंगों की जांच करवाने के साथ साथ अराष्ट्रीय तत्वों से किनके संबंध हैं, इसकी भी जांच करा दी जाए. दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा. यही मांग करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि लोग सांप्रदायिक एजेंडे के साथ देश के सामने आए हैं और लोग देश के खिलाफ इनके खतरनाक मंसूबों के खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा. धन्यवाद. अभी बहुत सारी कार्रवाई होने जा रही है, बहुत सारी चीज. ये उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पे वैसे असर नहीं पड़ा है, यह असर नोएडा में लौटा गया. अभी 10 वर्ष के हमने नोएडा की 10 वर्ष की CAG की ऑडिट करवाई है और 10 वर्ष में कितना घोटाला आया मालूम है? केवल नोएडा में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला आया है, 30,000 करोड़ रुपए का. और जब मैं 2002-03 के बाद से प्रारंभ करूंगा तो सब